अभी लास्ट 10-15 दिन में जब टाटा केमिकल ने प्राइस कट लिया था, उसके बाद सडनली अगर आप देखें इस सेक्टर में काफ़ी नेगेटिविटी आ गई थी। टाटा केमिकल में काफ़ी बड़ा प्राइस डैमेज था, लेकिन इसको ये एक सेक्टोरियल ट्रेंड मान के नहीं जा सकते। आई मीन अगर मैं ये मान के चलूँ कि कुछ प्राइस कट्स के इंस्टेंसेज हैं तो थोड़ा सा बैकफुट पर रहिए, इस सेक्टर को अवॉइड कीजिए। स्क्रीन पे कुछ और दिखाई दे रहा है, नवीन फ्लोरिन एट ऑल टाइम हाई, लुक एट SRF जिसकी लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स काफ़ी स्ट्रांग थी। आप लोग केमिकल पे क्या व्यू रख रहे हैं इस वक्त एज अ होल, या फिर कोई अगर आप कंफर्टेबल हो किसी स्टॉक पे तो जरूर बताइएगा। जहां तक केमिकल्स का सवाल है, मैं ये बताऊंगा कि ये बहुत ही वाइड स्पेस है और यहाँ पे एवरी कंपनी की अपनी खुद की स्पेशलिटी होती है, इसलिए इस सेक्टर में ऑफकोर्स स्पेशलिटी केमिकल्स है। तो अगर इसमें हम एक कंपनी का एग्जांपल देखें, हम सारे कंपनीज को डीरेट नहीं कर सकते या सारे कंपनीज को रीरेट नहीं कर सकते। तो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि दो तीन एरियाज है, जैसे फ्लोरीन केमिस्ट्री जो है, फ्लोरीन केमिस्ट्री बहुत ही वाइड स्पेस है, यहाँ पे यूटिलिटी बहुत हाई है, तो ये स्पेस में हमेशा एक्शन रहता है और जो कैटेगरीज जिसमें SRF काम करती है, राइट, तो ये सब कैटेगरीज में हमेशा मतलब इंटरेस्ट बना रहता है। बाकी जो प्राइसिंग होती है वो थोड़े बहुत सिक्लिकल होते हैं, तो प्राइसिंग मूवमेंट कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, बट ये सब कंपनीज काफी ज्यादा एफिशिएंट है और यहाँ पे थोड़ा भी अगर टेलविंड मिल जाए मैक्रो का तो उस हिसाब से ये कंपनीज का परफॉर्मेंस काफी तेजी से उभर के आता है। तो उस हिसाब से मैं बोलूंगा कि जो हाई क्वालिटी केमिकल कंपनीज है वहां पे नजर हमेशा रखना चाहिए, और अभी थोड़ा बहुत टर्न अराउंड दिख रहा है तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि केमिकल कंपनीज में यहाँ से भी मतलब रिटर्न्स बढ़ने की संभावना अच्छी है।